अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है आईटेल 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर की अनबॉक्सिंग। और आज हम इसको कंपेयर करेंगे पाकिस्तानी टॉप ब्रांडेड इन्वर्टर्स के साथ और देखेंगे कि हमें वो टॉप ब्रांडेड इन्वर्टर्स लेने चाहिए या आईटेल का ये वाला इन्वर्टर लेना चाहिए। स्टार्ट करते हैं इसकी प्राइस से। तो भाई एग्जैक्ट प्राइस इसलिए कोट नहीं कर रहा क्योंकि पाकिस्तानी मार्केट है, प्राइसेस बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएट करती हैं, कभी ऊपर चल जाती हैं, कभी नीचे हो जाती हैं, हमें खुद समझ नहीं आती कि भाई क्या हो रहा है। तो अगर एग्जैक्ट प्राइस जाननी है तो ये रहे आईटेल वालों के नंबर, आप इनको कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। डेली बेस पर प्राइसेस चेंज होती हैं तो ये आपको उस दिन की एग्जैक्ट प्राइस बता देंगे। कुछ हाइलाइटिंग फीचर्स की बात करूं तो भाई ये इन्वर्टर आता है IP54 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन के साथ। साथ ही साथ यहां पे आपको 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी मिलती है और 5 साल की सर्विस वारंटी मिलती है। इसके अलावा भाई ये नेट मीटरिंग भी करता है, बैटरीज के साथ भी चलता है, बैटरीज के बगैर भी चलता है। साथ ही साथ यहां पे आपको एक बड़ा डिस्प्ले देखने को मिलता है, अच्छी बिल्ड क्वालिटी देखने को मिलती है। तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि हमें आईटेल के इस सोलर इन्वर्टर को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इससे पहले इसकी वीडियो की तरफ चले, हमेशा की तरह भाई दबा दो सब्सक्राइब बटन और हिला दो बेल आइकन ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलना क्योंकि वहां पे कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है। तो सबसे पहले देता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम, लेट्स जंप टू द वीडियो। अनबॉक्सिंग एक्सपीरियंस की बात करें तो भाई सबसे पहले देखने को मिलेगा आपको ये वाईफाई डोंगल जो कि इस इन्वर्टर के साथ आता है और इसकी वर्थ तकरीबन 10 से 12 हजार रुपया है और नॉर्मली दूसरे इन्वर्टर्स के साथ ये नहीं आता। आगे चल के मिलेगी आपको ये वायर, ये BMS की वायर है जो कि आपकी बैटरी और इन्वर्टर के साथ कनेक्ट हो जाएगी और बैटरी को इन्वर्टर के साथ कम्युनिकेट करवाएगी। आगे चल के आपको मिलेगी यहाँ पे एक यूजर गाइड, साथ ही साथ यहाँ पे आपको एक वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा, 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी है और 5 साल की सर्विस वारंटी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको मिलेगी एक पैरेलल केबल जिसको यूज करके आप अपने इन्वर्टर को पैरेलल कनेक्ट कर सकते हैं 12 इन्वर्टर्स के साथ। इसके बाद आपको मिलेगा ये मैग्नेटिक कंडक्टर जो कि आपके इन्वर्टर को डुअल आउटपुट में चेंज कर देगा, लाइक हैवी लोड को आप अलग यूज कर सकेंगे, लाइट लोड को आप अलग यूज कर पाएंगे। आगे चल के मिलेंगे आपको कुछ थिम्बल्स और कुछ स्क्रूज जिनको यूज करके आप इस इन्वर्टर को वॉल पे माउंट कर सकते हैं। साथ ही साथ मिलेगा यहाँ पे आपको इसका एक वॉल माउंट, अब इसको यूज करके आपने इस इन्वर्टर को वॉल पे हैंग करना है। आगे चल के मिलेगा आपको आपका आईटेल का 6 किलोवाट हाइब्रिड सोलर इन्वर्टर। इसके अलावा इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है। अब बात कर लेते हैं इस इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी की। तो भाई देखने में बहुत ज्यादा सॉलिड लग रहा है, काफी ज्यादा हैवी सा है, मेटल बिल्ड है और सामने वाली साइड पे इसकी LED है जो कि देखने में काफी ज्यादा इंप्रेसिव है। और यहाँ पे बटन्स भी लगाए गए हैं जिनको यूज करके आप इसके मॉड्स वगैरह को चेंज कर सकते हैं, अपने हिसाब से सेटिंग कर सकते हैं। आईटेल की ब्रांडिंग की गई है। इसके अलावा यहाँ पे हाइब्रिड इन्वर्टर को मेंशन किया गया है। अब राइट साइड पर चले तो भाई यहाँ पे आपको कुछ इस तरह का वेंट्स देखने को मिलेंगे जो कि इसकी हीट को बाहर निकालते हैं। बैक साइड पर चलें तो बिल्कुल प्लेन रखी गई है और यहां पे कुछ होल्स हैं जहां पे आप इसके वॉल माउंट को यूज कर सकते हैं और इसको वॉल पे हैंग कर सकते हैं। इस साइड पर चलें तो भाई यहां पे इसकी PV इनपुट्स और इसकी सारी स्पेसिफिकेशंस लिखी गई हैं और वंस अगेन यहां पे भी आपको वेंट्स देखने को मिलते हैं जो कि आपके इन्वर्टर को हीट होने से बचाएगा। अब यहां पे PV इनपुट की बात कर ली जाए तो भाई 6000 वाट तक की यहां पे PV इनपुट है। अब यहां पे अगर मैं सोलर पैनल्स की बात करूं कि कितने लगा सकते हैं तो भाई 12 सोलर पैनल्स आप लगा सकते हैं 585 वाट्स के, किसी किस्म का कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। अब इस इन्वर्टर की इंटरनल बिल्ड क्वालिटी की बात कर ली जाए तो भाई चीजें मुझे काफी ज्यादा परफेक्ट और सॉलिड लग रही हैं। ये यहां पे रबड़ इनपुट्स हैं जो कि मॉइस्चर को अंदर नहीं आने देंगी। यहां पे भाई इसकी सारी लाइंस हैं, बैटरी को कनेक्ट कर सकते हैं, PV को कनेक्ट कर सकते हैं, लोड को कनेक्ट कर सकते हैं। एंड लुक एट द मदरबोर्ड, मदरबोर्ड बहुत ज्यादा परफेक्टली लगा हुआ है और काफी ज्यादा खूबसूरत लग रहा है देखने में। इसकी बिल्ड क्वालिटी, इंटरनल बिल्ड क्वालिटी मुझे बहुत ज्यादा सॉलिड लग रही है। और यहां पे अगर बैटरी की बात कर ली जाए तो भाई 48 वॉट्स की आप यहां पे बैटरी लगा सकते हैं। तो भाई अगर आप टॉल ट्यूबलेस लगाना चाह रहे हैं तो 4 बैटरीज लगाएंगे और अगर लिथियम आयन बैटरी लगाना चाह रहे हैं तो भाई 48 वॉल्ट की एक बैटरी भी लग जाएगी। अब बात कर लेते हैं थोड़ी सी प्रोटेक्शन की। तो भाई फर्स्ट ऑफ ऑल तो ये इन्वर्टर आता है 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी के साथ, जिसका मतलब ये है कि अल्लाह ना करे इस इन्वर्टर को कुछ हो जाता है तो भाई आप आईटेल को भेजेंगे, वो आपको नया इन्वर्टर दे देंगे, रिपेयर करके नहीं देंगे। ये बड़ी परफेक्ट बात है। अब 3 साल गुजर गए और उसके बाद भी भाई इसकी 2 साल की और भी वारंटी है, मतलब सर्विस वारंटी है कि आप आईटेल को भेजेंगे, अल्लाह ना करे कुछ हो जाता है 3 साल के बाद, तो भाई आईटेल वाले इसको रिपेयर करके देंगे, फिट करके देंगे, आपसे सिर्फ पार्ट्स के पैसे लेंगे, सर्विसेज के पैसे नहीं लेंगे। तो वारंटी वाली साइड से तो कोई टेंशन नहीं है। अब बहुत सारे लोगों का कंसर्न होता है कि भाई कंपनीज वारंटी नहीं देती और तंग करती हैं, लेकिन बताता चलूं आईटेल एक बहुत पुराना प्लेयर है, मोबाइल्स की फील्ड में बहुत टाइम से है और इनको पता है कि भाई वारंटी को कैसे हैंडल करना है। इनका नेटवर्क पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है, आपको वारंटी वाली साइड से किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम आएगा। अब ये तो हो गई वारंटी की बात, लेकिन भाई प्रोटेक्शन की बात अभी भी खत्म नहीं हुई क्योंकि ये इन्वर्टर आता है IP54 की वाटर एंड डस्ट प्रोटेक्शन के साथ।
इससे पहले मेरे पास इनवेरेक्स का इन्वर्टर था वेरॉन 5.2 जो कि IP21 था। अब प्रॉब्लम उसमें ये था कि भाई वो मेंटेनेंस फ्री नहीं है, उसके साइड पे फिल्टर्स लगे होते हैं जिनमें डस्ट ही डस्ट भर जाता है हर चौथे पांचवें दिन, और भाई वो मॉइस्चर चल जाता है, और अगर आप वो फिल्टर साफ ना करें तो आपके दिमाग में खौफ ही रहता है कि भाई ये फिल्टर्स ओवरहीट ना कर दें इन्वर्टर को, हमारा इन्वर्टर खराब ना हो जाए, और आप उसको ओपन एरिया में नहीं लगा सकते, लाइक अपने गैरेज में नहीं लगा सकते। लेकिन इस इन्वर्टर को आप ओपन एरिया में भी लगा सकते हैं, अपने गैरेज में भी लगा सकते हैं, क्योंकि भाई IP54 के साथ आता है, यहाँ पे हर किस्म की रबर सील्स लगाई गई हैं, मॉइस्चर और डस्ट अंदर नहीं जाता, और जो इसकी फैन प्लेसमेंट है ना वो बड़ी परफेक्ट है, इसको हीट नहीं होने देती। तो डेफिनेटली उन टॉप ब्रांड्स को छोड़ के भाई आप IP54 की तरफ जाएं, ये बहुत ज़्यादा ड्यूरेबल होता है और आपको मेंटेनेंस फ्री रखता है। तो फाइनली भाई आपके भाई ने अपनी जान पे खेल के इस इन्वर्टर को ऑन कर लिया, क्योंकि मेरे पास इस वक्त कोई इलेक्ट्रिशियन नहीं है, खुद ही तारें तुरें लगा के ऑन कर दिया। और भाई ये रहा इसका डिस्प्ले, लुक एट द क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले, कितना अमेजिंग लग रहा है। और भाई यहाँ से आप इसकी सेटिंग्स को भी चेंज कर सकते हैं, यहाँ पे इसके बहुत सारे फीचर्स हैं, रिटर्न बटन है, यहाँ पे आपको इसकी एसी पावर नज़र आएगी, डेफिनेटली यहाँ पे सोलर पीवी नहीं लगी हुई इस वक्त, नहीं तो उसकी भी इनपुट नज़र आती। किसी किस्म का इन्वर्टर में प्रॉब्लम हो जाता है तो भाई यहाँ पे अलार्म आ जाता है, ये आपका एसी इनपुट है और यहाँ पे आपकी बैटरी शो होंगी। तो यार इन्वर्टर का जो डिस्प्ले है ना लिटरली बहुत ज़्यादा अमेजिंग है और देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। तो अब चलते हैं हम जरा इसके नीचे वाली साइड पे और देखते हैं यहाँ पे हमें क्या क्या मिलता है। तो सबसे पहले यहाँ पे मिलेगा आपको ऑन ऑफ बटन, जिसे आप अपने इन्वर्टर को ऑन कर सकते हैं या ऑफ कर सकते हैं। इसके बाद भाई यहाँ पे मिलेगा आपको इसका पैरेलल पोर्ट, अब इसको यूज करके आप 12 इन्वर्टर इसके साथ के कनेक्ट कर सकते हैं, लाइक 6 किलोवाट का ये इन्वर्टर है, इसके साथ के 11 इन्वर्टर जब आप और कनेक्ट करेंगे तो भाई टोटल बन जाएगा 72 किलोवाट। तो आपके पास हमेशा ऑप्शन रहेगी अगर आप अपने सिस्टम को एक्सपेंड करना चाहते हैं। आगे चलें तो यहां पे मिलेगा आपको इसका BMS पोर्ट। अब BMS पोर्ट क्या करता है, आपकी बैटरी और इन्वर्टर को आपस में कम्युनिकेट करवाता है। बॉक्स में ही वायर है जो कि इसके BMS पोर्ट में लग जाएगी और बैटरी में लग जाएगी, लिथियम आयन बैटरी में लग जाएगी, जिससे होगा ये कि इन्वर्टर खुद ही उसके टेंपरेचर को कंट्रोल रखेगा, कब कितना चार्ज करना है ये सब चीजें ये खुद मैनेज करेगा, आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आगे चल के मिलेगा आपको इसका RS232 पोर्ट, जिसको यूज करके भाई आप इसके वाईफाई डोंगल से कनेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, अच्छी बात यह है कि इसके साथ वाईफाई डोंगल भी आता है और उसको कनेक्ट करना बहुत ज्यादा सिंपल है, जस्ट आपको यहां पर कनेक्ट करना है, इसके बाद अपने घर के वाईफाई के साथ कनेक्ट कर देना है और एप्पल स्टोर या प्ले स्टोर से स्मार्ट वैल्यू नाम की ऐप को डाउनलोड कर लेना है। इसके यूजर गाइड में उसका बार कोड भी है, उसको स्कैन करके भी डाउनलोड कर सकते हैं और नॉर्मली सर्च करके भी कर सकते हैं, काफी परफेक्ट और एक्यूरेट डेटा देता है। आगे यहाँ पे मिलेंगे आपको इसके कुछ बैटरी पोर्ट्स, अब यहाँ पे आप इसकी बैटरीज को कनेक्ट कर सकते हैं। एक दफा फिर बताता चलूं कि अगर आपने टॉल ट्यूबुलर बैटरीज लगानी है 12 वोल्ट की तो 4 लगेंगी, अगर आप लिथियम आयन बैटरी लगाना चाहते हैं 48 वोल्ट की तो वो 1 लगेगी। 48 वोल्ट का इन्वर्टर है तो 48 वोल्ट की ही बैटरी चाहिए होंगी। अब आगे चल के यहाँ पे मिलेगा आपको इसका पीवी पोर्ट, जहाँ पे डेफिनेटली आप इसकी पीवी इनपुट लगाएंगे। इसके अलावा यहाँ पे आपको इसका लोड पोर्ट मिलेगा, जहाँ पे आपने लोड को मैनेज करना है कि घर की कौन कौन सी चीज़ इस पे चले। और अच्छी बात यह है कि भाई इसके साथ मैग्नेटिक कनेक्टर भी आता है, जिससे आप इसको डुअल आउटपुट में शिफ्ट कर सकते हैं। बेसिकली ये इन्वर्टर एक सिंगल आउटपुट वाला है, लेकिन अच्छी खबर यह है कि डुअल आउटपुट वाली चीज़ साथ में दी हुई है, जिसको यूज़ करके आप घर के हैवी लोड को बंद कर सकते हैं, लाइट लोड को बंद कर सकते हैं। आप चाहते हैं कि बिजली चली जाए और आपकी बैटरीज अगर 80% पे आ गई हैं या 85% पे आ गई हैं और आप हैवी लोड को बंद करना चाहते हैं, तो भाई वो सब कुछ इसका मैग्नेटिक कनेक्टर हैंडल कर लेगा और आपके हैवी लोड को बंद कर देगा। आगे चल के मिलेगा भाई यहाँ पे आपको इसका ग्रिड पोर्ट, जहाँ पे आप वापडा को कनेक्ट कर सकते हैं। और सबसे अच्छी बात जो लगी मुझे इस इन्वर्टर की भाई वो ये है कि ये वापडा के साथ शेयरिंग भी करता है, अगर आपके यहाँ ग्रीन मीटर लगा हुआ है तो ये वापडा को फीड इन भी करेगा, और इन केस के वापडा चल जाती है तो आपका सोलर सिस्टम बंद नहीं होगा, ये चलता रहेगा, डायरेक्टली पीवी पे भी चलेगा, बैटरी के साथ भी चलेगा। अगर आप बैटरी नहीं कनेक्ट करते तो भाई डायरेक्टली पीवी यानी कि सोलर पे भी ये चलता रहेगा। तो ये फीचर इसका ना बड़ा परफेक्ट है, मोस्टली जो टॉप ब्रांड्स के इन्वर्टर हैं उनमें ये सिस्टम होता है कि अगर वापडा चल जाए तो भाई बैटरी और सोलर पे चलता है, लेकिन अगर बैटरी कनेक्ट ना हुई तो वो बंद हो जाता है। लेकिन इसमें ऐसा कुछ नहीं है, ये सिंगल सोर्स पे भी चल जाएगा, डायरेक्टली सोलर पे भी चला सकते हैं, सोलर और बैटरी पे भी चला सकते हैं, वापडा के साथ शेयरिंग भी कर सकते हैं। तो ये सब फीचर्स ना इस इन्वर्टर को बहुत ज़्यादा प्रीमियम बना देते हैं। आगे चल के बात कर लेते हैं इसके लोड मैनेजमेंट की। ये इन्वर्टर है 6 किलोवाट का, लेकिन अच्छी बात यह है कि भाई ये इन्वर्टर 200% तक का सर्ज बर्दाश्त कर लेता है 5 सेकंड तक के लिए, और 150% तक का सर्ज बर्दाश्त कर लेता है 10 सेकंड के लिए। मोस्टली ऐसा होता है कि हम अचानक से सारी चीजें चला देते हैं, एसी चल रहे हैं, फ्रिज चल रहा है, और अचानक से मोटर चला देते हैं पानी वाली, जिससे सर्ज बहुत ज्यादा हैवी, जब कोई भी चीज स्टार्ट में चलती है ना तो वो एक दफा बहुत ज्यादा बिजली लेती है। तो मेरे पास जो इससे पहले इन्वर्टर था IP21 वाला एनवेरेक्स का, वो ट्रिप हो जाता था और भाई डर लगता था, बुरी बुरी आवाजें निकालने लग जाता था। लेकिन भाई अच्छी बात यह है कि यहां पर ट्रिपिंग वाला कोई इशू नहीं आएगा, क्योंकि 12 किलोवाट तक का ना ये लोड 5 सेकंड तक बर्दाश्त कर लेगा और 9 किलोवाट तक का लोड भाई 10 सेकंड तक बर्दाश्त कर लेगा। इतनी देर में सर्ज खत्म हो जाती है, चीजें वापस अपने नॉर्मल इलेक्ट्रिसिटी लेने लग जाती हैं। तो ये फीचर मुझे इसका काफी ज्यादा कमाल लगा। एंड यस, द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, भाई सोलर एक्सपो आ रहा है कराची में 26, 27 और 28 तारीख को, जहां पे आईटेल
का भी बूथ है, वहां पे फेस टू फेस आपको सब गाइडेंस भी मिल जाएगी और एयरटेल की लेटेस्ट प्रोडक्ट्स भी वहां पे अवेलेबल होंगी, तो आप इनको टेस्ट आउट भी कर सकते हैं, देख सकते हैं, समझ सकते हैं। तो मेक श्योर इन डेट्स को मार्क कर लें और सोलर एक्सपो पे जाना मत भूलिएगा। ओवरऑल यहाँ पे अगर मैं अपनी बात करूँ तो भाई मुझे इस इन्वर्टर की बिल्ड क्वालिटी बहुत ज्यादा कमाल लगी है, और सबसे अच्छी बात यह है कि भाई IP54 की रेटिंग के साथ आता है, तो मेंटेनेंस फ्री है, आपको किसी किस्म की टेंशन नहीं होती कि आज जाके हमने जी फिल्टर साफ करने हैं, गंदे हो गए होंगे, हमारा इन्वर्टर ओवरहीट ना हो जाए। और यहाँ पे जो भाई फैंस लगाए गए हैं ना, वो बड़े परफेक्ट जगह लगाए गए हैं, स्मार्ट कूलिंग सिस्टम है, तो यहाँ पे इन्वर्टर हीट होने का चांस है ही नहीं। साथ ही साथ भाई इसकी जो ऐप है ये मुझे बहुत ज़्यादा परफेक्ट लगी है। अब मेरे पास जो इन्वेरिक्स का इन्वर्टर था IP21 वाला, भाई उसकी ऐप इतनी जलील थी ना कि भाई दो दो दिन बाद अपडेट होती थी, कभी दो घंटे बाद अपडेट होती थी, लेकिन ऐसा यहाँ पे कोई सीन नहीं है। हर 5 मिनट बाद ऐप सिंक्रोनाइज हो जाती है इन्वर्टर के साथ और आपको डाटा लाइव तकरीबन देखने को मिलता रहता है, ये काफ़ी ज़्यादा परफेक्ट बात लगी। और सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि भाई ये वारंटी के साथ आता है रिप्लेसमेंट, 3 साल की रिप्लेसमेंट वारंटी या 5 साल की सर्विस वारंटी है, तो भाई पीस ऑफ माइंड है कि आपको इस इन्वर्टर के लिए कोई परेशानी नहीं उठानी। अल्लाह ना करे इस इन्वर्टर को कुछ हो जाता है, अव्वल तो होता नहीं है, लेकिन अगर कुछ हो जाता है तो भाई आपको नया इन्वर्टर मिल जाएगा, ये सबसे बड़ा पीस ऑफ माइंड है। और भाई प्राइस की अगर बात करें तो वो ये डिस्क्रिप्शन में लिंक दे रहा हूं, आप यहां पे जाकर इनकी प्राइस को पता कर सकते हैं। बाकी सब इन्वर्टर से ना इसकी अच्छी प्राइस है, और साथ ही साथ वारंटी सेंटर्स भी इसके बहुत ज्यादा अवेलेबल हैं। एयरटेल एक ब्रांड है जो कि मोबाइल्स को डील करती थी, और भाई वारंटी वाली साइड से आपको किसी भी किस्म का कोई इशू नहीं आने वाला। तो मेरी माने ना अगर, तो भाई ये जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स आजकल फिर रही है ना, जिसमें इन्वेरिक्स है, मैक्स पावर है, सोलेक्स है, इस तरह की बहुत सारी ब्रांड्स हैं, आजकल नॉक्स के भी इन्वर्टर आए हुए हैं, भाई उन सब से ना तकड़े और तबाही फीचर्स के साथ ये इन्वर्टर आता है। उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी, वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज लाइक कीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। इस इन्वर्टर के बारे में मजीद कुछ जानना हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।